नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल का कैंप साधनगर पकोड़ा पार्क में लगा है और वीरेंद्र देव शर्मा ने के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। आज इन्होंने पर्यावरण का भी अद्भुत संदेश दिया है, पौधे लोगों में बांट कर। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे, आज यहाँ कैंप की कितनी ज़रूरत थी और कैसा अनुभव है यहाँ? देखिए, मुझे वैसे हम रोज़ाना कहीं ना कहीं कैंप लगा रहे हैं दिव्य प्रेस के साथ मिलके, लेकिन जैसे यहाँ देखते हैं कि लोग ना सेहत के प्रति बहुत जागरूक हैं, मॉर्निंग में आ जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें लगा क्यों ना हम एक कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें जिससे कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। नॉर्मली हम कैंप 10 बजे शुरू करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा कैंप था एक मेगा कैंप था और मैंने आज सुबह 7 बजे यहाँ कैंप शुरू कर दिया था और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। करीबन 150-200 लोग अभी तक आ चुके हैं और लोगों में काफ़ी जागरूकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो आके यहाँ ये करा रहे हैं। सुबह सात बजे से लोग आ रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि अभी तक भी लोग आ ही रहे हैं। आपके दिमाग में आया कैसे कि पार्क में कैंप लगाया जाए, क्योंकि सुबह वहाँ बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, कि आइडिया कैसे आया दिमाग? देखिए, एक्चुअल में जैसे हम रोज़ कहीं ना कहीं कैंप लगा रहे थे तो एकदम से दिमाग में आया यार, पार्क जो हमारे आसपास के हैं उनमें लोग सुबह 5 बजे 6 बजे से आना शुरू कर देते हैं और 9-10 बजे तक घूमते हैं, यानी वो सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को टारगेट करें और उनको चेकअप करके हम बता पाएँ कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, कैसा आपका स्वास्थ्य है। डॉक्टर्स हमने बैठा रखे हैं, हम ECG कर रहे हैं, BP शुगर कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और पल्स चेक हो रही है, ब्लड शुगर हो रहा है और डॉक्टर की कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। और इस आज जो हमने ये मेगा कैंप रखा, इसमें हमने देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पौधों का भी वितरण किया है। जैसे हमारी संस्था कर रही है कि तुलसी माता घर घर होनी चाहिए, हर घर तुलसी का हम एक स्लोगन लेके चल रहे हैं, तो हमने आज तुलसी जी का, सदाबहार के और गेंदे के, अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हम लेके आए थे। करीबन 200-250 प्लांट्स हम लेके आए थे और मोस्ट प्रोबेबली लोग बड़े खुश हो के लेके गए हैं। पर्यावरण के प्रति भी लोगों में काफ़ी जागरूकता है। तो वीरेंद्र देव शर्मा के बारे में आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ लगातार सेवा कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना काल में राशन बांटने की बात हो, भंडारा बांटने की बात हो या फिर बच्चों के विकास से जुड़ी हुई कोई बात हो। शुक्ला जी मेरे साथ हैं जो लगातार इनके साथ मिलकर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हॉस्पिटल से हैं। सर, आज का कैसा अनुभव है, क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सुबह 7 बजे से ही कैंप चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये डिफरेंट नहीं है बल्कि देखा जाए तो यही सही है, क्योंकि आजकल जिस तरह लोग बीमार हो रहे हैं और जिस तरह से बीमारियां घेर रही हैं। स्टाफ तो कह रहा होगा शुक्ला जी ने सुबह 7 बजे ही उठा दिया। स्टाफ तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, आप अच्छा करोगे तो भी और बुरा करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैंप वास्तव में रियल कैंप है। अच्छा। जिसमें 6:30 बजे 7 बजे कहते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन अभी क्या है कि लोगों की उठने की जो प्रक्रिया है ना वो लेट हो चुकी है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, और इसीलिए बीमारियाँ भी अच्छी तरह घेर लेती हैं। तो हमारे भाई साहब ने, वीरेंद्र देव जी ने कहा कि भाई ऐसा है पकोड़ा पार्क में अगर हम सुबह कैंप लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये आइडिया डॉक्टर ज्ञान के मन में पहले भी आया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था, शुक्ला एक बार देख लो यार, अगर मॉर्निंग में कैंप लगा दो कोई नियरेस्ट जो अपना पार्क हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोगों ने इस पकोड़ा पार्क इसलिए चुना कि ये नसीरपुर और साधनगर का सबसे बेहतरीन पार्क है, इससे बड़ा पार्क और इससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला पार्क मेरी समाज से इधर एरिया में नहीं है। तो दिमाग में सर ये भी आया होगा कि सुबह पार्क में हम कैंप लगा रहे हैं तो पार्क में तो स्वस्थ लोग ही आते होंगे, बीमार कहाँ से मिलेंगे? नहीं नहीं, स्वस्थ लोगों को चेक कराना ज़्यादा ज़रूरी है, बीमार तो कराएगा, बीमार को दवाई लेनी है, ठीक होना है, वो तो कराएगा, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको कराना इसलिए ज़रूरी है कि अपना कंटिन्यू स्वस्थ रह सके। अभी तक दिव्य प्रेस हॉस्पिटल कितने कैंप लगा चुके हैं? आई थिंक अभी तक जब से मैं कैंप लगा रहा हूँ अबव देन 150 कैंप्स। कब से, कितने टाइम में? 1.5 ईयर। देखिए, बहुत बड़ी बात है, इतने सारे कैंप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है दिव्य प्रेस हॉस्पिटल लगा चुका है। सर, आप भी यहाँ पहुँचे, कैसा अनुभव है? जी, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है और मैं वैसे भी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज देव मानव सेवा ट्रस्ट से, तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी रीच पहुंच रही है और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, वैदर वो गरीब परिवार से हों, ज़रूरतमंद हो, से आपका गरीब लड़कियों की शादी को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, तो देव मानव सेवा ट्रस्ट दिव्य प्रेस हॉस्पिटल के साथ कई सालों से इसके जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों को विभिन्न वर्ग, मतलब बिना किसी जाति भेदभाव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं और उनको सेवाएं दे रहे हैं।
तो ये कैंप का नज़ारा एक बार मैं कहूँगा, कैमरामैन दिखाया कि किस तरह से प्रोफेशनल डॉक्टर्स दिव्य प्रेस हॉस्पिटल के बैठे हुए हैं, लोगों की निस्वार्थ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जांचें चल रही हैं और बीपी, शुगर, ईसीजी, ये सभी जांचें, वजन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, आँखों की जाँच देखिए यहाँ चल रही है, लोग आ रहे हैं आँखों की जाँच करा रहे हैं और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी बीमारी है जिस का इलाज हॉस्पिटल में संभव है वो हॉस्पिटल भी जा सकता है, वहाँ भी डिस्काउंटेड रेट पर उनका सफल इलाज किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।